प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर स्थित एनआईटी उत्तराखंड के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने गढ़वाली में सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि चुनाव मैदान में होने के बावजूद पूर्व में भी मैं देवभूमि आया। देवभूमि की माटी को माथे लगाने का मन था। बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं यहाँ सीधे चला आया। उन्होंने कहा कि तिलुर रौतेली पंथिया दादा मोती सिंह भंडारी जैसे वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। कल ही उत्तराखंड बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और ये संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें उत्तराखंड के विकास के लिए यहाँ के युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी के लिए नए संकल्प दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मनोरथ सच्चा हो तो बाबा केदार और बद्रीनाथ जी सच्ची इच्छा को पूरा कर देते हैं। उनके आशीर्वाद से और चुनाव आयोग ने भी और मौसम ने भी मुझे आपके बीच आने का मौका दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी और किस तरीके का उनका संबोधन रहा, विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरह से आज की अगर बात करें मुस्कान, तो आज प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पे थे। श्रीनगर गढ़वाल में उन्होंने इस जनसभा को संबोधित किया और इसी माध्यम से तमाम जो ब्लॉक हैं, तमाम जो अन्य जनपद हैं, वहां पर भी वर्चुअल तरीके से उन्हें संबोधित उनका वहां तक लोगों को सुनाया जा रहा था। लेकिन खास बात ये रही है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते थे, चमोली से लेकर के पौड़ी टिहरी उत्तरकाशी, ये पूरा जो इलाका है रुद्रप्रयाग से लेकर के सारे लोग गढ़वाल क्षेत्र से आज श्रीनगर में पहुंचे थे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और उन्होंने 2022 का जो चुनाव होने वाला है, 14 फरवरी को वोटिंग होना है और उसकी उसके लिए उन्होंने जो श्रीनगर से उनके जो प्रत्याशी हैं धन सिंह रावत उनके पक्ष में वोट करने की अपील की है। और तमाम बातें उन्होंने यहाँ पे रखी है, चाहे वो महंगाई हो या फिर भ्रष्टाचार हो, इन उन मामलों को भी उन्होंने रखा। कि उन्होंने कहा है कि देश में अब सबसे ज्यादा कम महंगाई हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बेरोजगारी है उसे भी दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, चाहे वो देश हो चाहे उत्तराखंड। उन्होंने कहा कि स्पेशल जो उनका जो रहा है पहले से ही उत्तराखंड उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। लगातार वो यहाँ कणकण से यहाँ जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति से यहाँ जुड़े हुए हैं और लगातार उनका बराबर यहाँ यहाँ के लोगों के लिए रहा है। और यही नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा कि लगभग 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो योजनाएं हैं उत्तराखंड के लिए दी गई है, चाहे वो रेल लाइन हो, चाहे चारधाम सड़क योजना की बात करें, ऑल वेदर रोड की बात करें, वो उत्तराखंड को सौगात के तौर पर दी गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज सहित तमाम जो योजनाएं हैं अपनी वो गिनाए। जी हरीश, मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अभी 14 तारीख को चुनाव है उत्तराखंड में, 14 तारीख को वोटिंग होगी। अब समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये बात कही हो, लेकिन इस बीच चुनावों के बीच सीडीएस बिपिन रावत का जिक्र एक बार फिर से हुआ है। सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है कांग्रेस, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं सीडीएस बिपिन रावत का नाम चुनावों के बीच आना क्या समीकरण बताता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तराखंड की हम बात करें मुस्कान, तो उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेशों में से रहा है और विपिन रावत जो है वो उत्तराखंड से ही है। इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण यह होता है कि अगर विपिन रावत का नाम अगर कहीं जुड़ता है, खासतौर से चुनाव में 14 फरवरी को जो वोटिंग होना है और 2022 का जो इलेक्शन उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेकर के, अब कहीं ना कहीं जो विपिन रावत है उनका नाम अगर उत्तराखंड से अगर प्रधानमंत्री लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो मानसिकता है वो बदल जाएगी, खासतौर पे सेना को लेकर के। क्योंकि जिस तरह से विपिन रावत का जो निधन हुआ, जो उनका उन्होंने देश के प्रति शहादत दी है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी काम आने वाली है। क्योंकि जो अब जो यहाँ वोटिंग की अगर बात करें, वोटर्स की अगर बात करें, तो उनको लुभाने के लिए भी उनका नाम लिया जाना, खासतौर पर सैनिक वोटरों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी बातें उन्होंने आज यहाँ पर रखी हैं, चाहे वो कांग्रेस को निशाना साधने की बात हो, क्योंकि आज राहुल गांधी भी आज तमाम जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पे जनसभा कर रहे हैं। कुमाऊं के जो
अल्मोड़ा है वहां पर पहुंच कर सभा किए जा रहे हैं, मंगलोर से लेकर के। तो इस बात पर भी अगर आज की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में दो दिग्गज नेता आज उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी उत्तराखंड में है तो दूसरी तरफ देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आज गढ़वाल क्षेत्र में है। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, तो यहाँ के वोटर जो सैनिक वोटर हैं उनको लुभाने की, उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश समय भाजपा कर रही है। और यही बात है कि जो प्रधानमंत्री बार बार जो उनका नाम ले रहे हैं बिपिन रावत का, सुधीर बिपिन रावत का, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो सैनिक परिवार हैं, जो सैनिक वोटर हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से चुनावों का मौसम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे हैं और वहां पर मंच के माध्यम से उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।